મારું નામ શ્રવણ હિંગલ છે મારું નામ ભૂમિ પત્રા મારું નામ દર્શન છે મારું નામ જિગ્નેશ સૈતવાલ હા તો પહેલા આજ પહેલા ખાને કે બારે વાત કરતે હૈ તો સબકો સબ અલગ અલગ ગામ સે બિલોંગ કરતે હો કે સબકા અલગ અલગ ફૂડ હોગા તો હમ પહેલા પૂછના ભરત સે ચાલ રહા હૈ કોન સે ગામ સે બિહાર તો ઉધર કા ફેવરેટ ફૂડ ફેમસ ફૂડ પ્યાઝ કચોરી આપ સૌરાષ્ટ્ર ઉધર કા ફેમસ ફૂડ રોટલો आप राजस्थान उधर का फेमस फूड दाल बाटी ऑलमोस्ट सबने खाए होगा ये सब फेमस फूड है इधर बहुत कम बनता है पर आप अपने गांव में जाते होंगे तो खाते ही होंगे ये और कुछ फूड के बारे में कुछ बताना चाहते हो इधर कोई सूरत में कोई अच्छी चीज मिलती हो या कोई नई चीज हो कोई ट्राई कर सकता हो एक तो दाल पकवान मिलता है और एक और कोई जगह रेड रोल कहाँ मिलता है यू कैन ट्राई तो पहले मुझे को बता सकते हैं सूरज और सूरज प्रदेश सरकों के बारे में कुछ पता है किसी को मैं बताऊं मत बताओ पक्का बताऊं हां बता सूरज डूबा है यार दो घुट में एकदम रुको मैं बताता हूं तू बता भाई सर सूरज हुआ मत्तम चांद जलने यार अब मैं बताती हूं सूरज प्रदेश सरकों में है क्या तो दैट्स इट सूरज प्रदेश सरकों लेखक है विनोद भट्ट साहित्य प्रकार हास्य निबंध और ये वगैरह वगैरह बुक में से लिया गया है जैसे आप देख सकते हो ये सूरज की फोटो भी इतनी कॉमेडी है मतलब चैप्टर भी कॉमेडी होगा तब विनोद भट्ट की फोटोज देखते हैं ये विनोद भट्ट कितने स्माइल कर रहे हैं इनके नेचर के हिसाब से इन्होंने ये चैप्टर बनाया है बहुत ह्यूमर है इसके अंदर इतनी मजा है कि आपको सुन के तो पहले देखते हैं इसके अंदर है क्या विनोद भट्ट का परिचय उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ है उनको रंजीत राम स्वर्ण चंद्रक अवार्ड मिला है हास्य निबंध के लिए गुजरात साहित्य अकेडमी अवार्ड और साहित्य परिषद अवार्ड मिला है और इसके अलावा मैं थोड़ा बता देती हूँ कि उनकी उम्र अभी 79 ईयर है उनका जन्म 14 जनवरी 1938 में हुआ है और उनकी और बुक्स में उनका ड्रामा बताती हूँ मैं नर्मद मुंशी ब्लॉक शो ये सब उनके ड्रामा है और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बुक्स बनाई तो बुक्स देखते हैं पहले अवार्ड देखते हैं ये विनोद भट्ट है उनकी फोटो है ये स्वर्ण चंद्रक अवार्ड है गुजराती साहित्य अकेडमी गुजराती साहित्य परिषद और ये अहमदाबाद जहाँ पे उनका जन्म हुआ है तो ये अहमदाबाद का स्टेशन के भाल का व्यू है विनोद भट्ट की पुस्तक विनोद भट्ट की पुस्तक है इदं तृतीयम विनोदनी नजरे विनोद ना प्रेम पत्रों ये जो चैप्टर है वो वगैरह वगैरह में से लिया गया है और है हास्य उपचार इसके अलावा मैं बता दूँ इस चैप्टर में है क्या इस सूरत बदल सरकों में ऐसा बताया गया है कि जो मनुष्य है उसको मतलब इतना ज़्यादा खाना मोस्टली मारवाड़ी पीपल खाना तो मतलब पहले इधर से जा रहे होंगे कोई भी भर भर के खाना लेके जाएंगे ऊपर से स्टेशन ट्रेन में पहले सोचने लग जाएंगे अरे उधर जाके ये खाएंगे उधर जाके वो खाएंगे वो नहीं देखते कौन सी जगह पर घूमने जा रहे हैं अहमदाबाद जा रहे हैं इतनी सारी जगह उसमें झूलता मीनार जामा मस्जिद शेकिंग मीनार पर वो सब नहीं देखेंगे वो सब जाए भाड़ में खाना क्या अच्छा मिलता है पहले वो खाएंगे स्टेशन में पहले से गूगल अब तो गूगल अगर गूगल में सर्च कर ले पहले से सर्च कर लेंगे कौन सा खाना मिलता है पहले जाके उधर ही टूट पड़ेंगे तो इस चैप्टर में मेन फोकस खाने के ऊपर किया गया है इसमें लेखक और उनके मित्र के बीच में बात चल रही है उनके मित्र का नाम है सर्वज्ञ भाई जैसे आप देख सकते हो ये लेखक है उनका फ्रेंड पूरा इतना भूखड़ है अभी आप फोटो में देख सकते हो अभी वो खा ही रहा है बातें करते करते भी उसको खाना है बोलते बोलते भी उसको खाना है इतना खाना मतलब पेट दे के पता चल सकता है और अभी मैं और शबन एक ड्रामा प्ले करेंगे इसको समझाने के लिए तो लेखक के बीच में ही वार्तालाप हो रही है लेखक और उसके मित्र के बीच इस बार बच्चे आगरा जाने की सोच रहे हैं किसके बच्चे ऑब्वियसली मेरे तो नहीं होंगे मेरी शादी नहीं हुई बच्चे कहाँ से होंगे तो आगरा टेस्टी आगरा और टेस्टी हाँ तो आगरा में इतना अच्छा ताजमहल तो है उसके बाजू में कुछ अच्छा है ना ये दाल बड़ा मिलता है ब्यूटीफुल है लड़के लड़कियों को मत देखना मुझे पता है सबका लड़के पे कौन सा दाल बड़े को देख उसकी चटनी इतनी ज्यादा टेस्टी क्या बताए हम आपको तो आपने ताजमहल देखा है आगरा में मैंने तो अभी तक ताजमहल नहीं देखा पर दाल बड़े जरूर खाए हैं एक पागल मनुष्य है चौदहवीं डिलीवरी में उसकी मरी हुई पत्नी उसके लिए वो कब्र बनाता है लाखों रुपए की इससे जब मैं होता ना लाखों रुपए का ताज होटल बनाता खाने के लिए या तो पूरे आगरा को खाना खिलाता माथेरान कैसा रहेगा
बॉस एकदम टकाटक है माथेरान. माथेरान એટલે માથેરા. માથેરાન તો મતલબ ના ફેમસ હે ઉધર એક કુરાન વાલી કી એક શોપ હે વહા પે દાલ ભાત મિલતા હે ખાતે રહે જાઓ ઉંગલી ચાટતે રહે જાઓગે મતલબ મઝા મઝા મઝા. યે સ્ટેશન હે ઉસકા તો દેખને મે પતા ચલા ઉસકી ટ્રેન થોડી અલગ હે ઓર દાલ ભાત ઇતને ફેન્ટાસ્ટિક ક્યા બતાઉં મે આપકો. अब वहाँ कुछ घूमने की जगह है खाने पीने के अलावा कुछ और बताना. बता रही हूँ ऐसे चिल्ला मत यार तू मेरे ऊपर. बता रही हूँ तुझे इको पॉइंट है पैनोरमा पॉइंट और सनसेट पॉइंट. पैनोरमा पॉइंट के आगे बाहर एक नारियल वाला बैठता है. क्या नारियल पानी. मैं तो जाती हूँ कोई पॉइंट घूमने पहले तो उधर जाऊंगी नारियल पीने के लिए. शंकर को देखा है नारियल पानी. इनका मुंह देख के ही नारियल पानी ना भाई. इससे अच्छे तो अपने यहाँ है नारियल पानी वाला. चलता है हाँ. किसी की शक्ल से कोई पहचान नहीं सकता वो कैसा. नेचर उसका बहुत अच्छा है. सपना ने बोलना है मैं तो अंकल के बारे में तो कुछ. दार्जिलिंग कैसा रहेगा इस समय. बहुत महंगा रहेगा. महंगा है ना कुछ नहीं होता समझा ना. उधर तो बस एक बार का खाना खाने का और दिल्ली चाट सेंटर है उधर दही बड़ा खाने का. दही बड़ा की चटनी देख सकता है तू खाना. इतनी ज्यादा टेस्टी और बड़ा पानी आ जाए. किस चीज का यम्मी होगा इधर दही बड़ा जो राजस्थान पीपल उनके घर पे बनता है फेस्टिवल पे तो इतना यम्मी. उसके बाद में ये मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पे एक झरना है जहाँ पे ना पानी में पैर डाल के बैठते हैं और इतना ठंडा पानी इतना अच्छा उधर का नेचर है व्यू है तो उधर जाना बहुत अच्छा है. पर एक बार मैं मेरे फ्रेंड के साथ एकदम उल्लू का पट्टा ना एकदम उल्लू का पट्टा है उल्लूले क्या है क्या है कुछ भी. मैं इतना सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ और तुम ये बोल रहे हो उल्लू का पट्टा. वो जी जगदीश या उसके साथ में मैं पानी में पैर डाल के बैठी रही. वो बेवकूफ की वजह से होटल बंद हो गया. उसकी वजह से दाल ढोकरी इतनी टेस्टी दाल ढोकरी मुझे घुमानी पड़ी. अब तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं कभी उसके साथ में खाना खाए बिना तो होटल के बाहर जाऊंगा ही नहीं. मैं इतना गुस्सा आया मेरे को मतलब इतनी यम्मी दाल ढोकरी देख ही सकूं. हटना ये देखो फ्रूट धनिया दाल ढोकरी ट्राइंगल शेप. अभी कश्मीर के बारे में बताते हैं आपको थोड़ा कि अब वो बोलते हैं लेखक के फ्रेंड कि ना कश्मीर भी जा सकते हैं. पर कश्मीर में पता है कि आतंकवादी उनकी वजह से इतनी ज्यादा गर्मी मतलब इतना ज्यादा अटैक करते हैं पीपल को बिना फालतू. उनको ऐसा लगता है वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं. उसको धर्म की लड़ाई नहीं बोलते. वो लोग अपना अलग ना वो लोग इतना ज्यादा ना ह्यूमन को हैरेस करते हैं. उनको लगता है कि खाली उनको अपने डर बिठाना है हर की जगह पे. वो इतना मारते हैं वो लोग इतना हैरेस करते हैं. ऊपर से लोग इतनी जान देते हैं उनकी वजह से. और छोटे छोटे बच्चे जो भी अपने एज के होंगे वो उनको भी पहला फुस ला के उस आतंकवादी के गैंग में ले जाते हैं. फिर उनको गन ये सब सिखाते हैं ना छोटे बच्चे की उम्र में गेम खेलना पढ़ना. और वो अभी से ये सब काम करने लग जाते हैं. उनके माता पिता को पता भी नहीं होता कि वो कौन से क्योंकि वो लोग अलग अलग जगह पे उनको बुला के और ऐसे बोलते कि स्कूल जा रहे हैं ऐसे बहाने लेके उनको ले जाते हैं. इसके बाद गुंजन बताइए. महाबलेश्वर मतलब एकदम सुपर जाना हो ना मतलब महाबलेश्वर जाने का जाना हो तो एक ट्रैवलर कर लेने का. उधर के ट्रैवलर इतने अच्छे नाश्ता देते हैं मुंह में पानी आ जाता है. ये प्रहलाद ट्रैवलर नाम का एक ट्रैवलर है. दो टाइम तीन टाइम का नाश्ता देता है और एक टाइम का खाना देता है. नाश्ते में क्या ब्रेड पकौड़ा पोहा और सेव खमड़ी. सेव खमड़ी तो गुजरात के ऑलमोस्ट लोगों ने खा ही होगी. ये ट्राई कर सकता हो किसी ने ट्राई नहीं किया हो तो. और सेव खमड़ी क्या बात कर रहे उसके बारे में हम. और अब हम जाएंगे महाबलेश्वर में. सूर्य उदय है ना 3:45 बजे है ना सन राइज हो जाता है. उसके वजह से महाबलेश्वर में लोग मतलब जिसको नहीं उठने की आदत है वो नहीं उठ पाते और फिर घूमने का भी रह जाता है. तो सुबह सुबह उस टाइम पे सनसेट सनराइज पॉइंट होता है तो उधर जाके हम सनराइज देख सकते हैं. पर वो सब रह जाता है. और महाबलेश्वर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जैसे कि उधर टाइमिंग प्रॉब्लम होता है. उधर कोई अच्छी जगह नहीं है. एटमोसफियर भी इतना कुछ अच्छा नहीं है. तो उसके वजह से महाबलेश्वर से जाने से अच्छा तो अपने आबू जा सकते हैं. आबू में एक सिखपुर की रथ यात्रा होती है. ये आबू है ये उसका लोगो है. इधर एक नकी लेक है. पहले तो ना उधर जाने का सिद्धपुर की रथ यात्रा में वो सबसे सस्ता होता है. उधर एक टाइम का खाना एक टाइम का नाश्ता मिलता है. फिर शाम हो जाती है इवनिंग हो जाती है. फिर नकी लेक में जाने का बोटिंग करने की उधर रहने का मस्ती करने की चलने वॉकिंग भी कर सकते हैं. उधर साइड पे एक रबड़ी मिलती है. रबड़ी तो आगू की सबसे फेमस है. जब
स्टेशन में जाते हैं ना सबसे पहले उसी का वेट करते हैं बस आबू आए हम खाएंगे रात को 12 बजे तक जग जाएंगे पर पहले खाएंगे वो उसमें एक केसर पिस्ता केसर तो सबकी फेवरेट होती है और पिस्ता तो ड्राई फ्रूट में सबको ही पसंद है और उसमें कैरेमल इतना ज्यादा टेस्टी बादाम ये सब मुंह में पानी लगा खा सकते घर जाके उसमें प्रॉब्लम नहीं है बेशरम क्या तुम घर जाके खा सकते तुम्हें खाने ये सिक्कू की जल्दी याद रहा है इस ऐसे रैली निकलती है इसमें भगवान को रखती है ये मंडप बना के रखा है और ऐसे लोग रैली निकालते हैं इसके अंदर अब अहमदाबाद को कैसे रिलेट किया है आगू जाते हैं सबके सब लोग उधर मिल जाते जिस आगू अपने अहमदाबाद में रहते हैं जिस जिस लोग से अपना बदला चाहते हैं कि अपने फैमिली वाले आए इनसे नहीं मिला बहुत पकाते हैं वो सब आगू में पहले जाके मिलेंगे उधर घुसोगे नहीं ना आगू में पहले वो सब दिखने लग जाएंगे जैसे मैं रिलेशन बताती हूँ मेरे काका की खोई की बेटी की मासी की लड़की की दादा की पोतरी की फ्रेंड इतना पकाते ना मुझे लगता है आधा अहमदाबाद उसके जैसे ही होगा पकाने वाला तो मेरे को कभी पसंद नहीं है उसका घर जाना पर अहमदाबाद में अगर जा पर अगर ये सब जगह नहीं घूमना महंगा पड़ता तो अपने अहमदाबाद जा सकते हैं अहमदाबाद की छत पर अपने पतंग उड़ाते हैं और भी बहुत सारे फेस्टिवल जैसे दिवाली पे ना तुक्कल वो सब अपने जलाते हैं तो अगर अपने को कहीं और नहीं जाना तो अहमदाबाद जा सकते हैं अहमदाबाद में ये छत पे पानी डाल के इधर पानी का छीटा डाल के और रात को इतना अच्छा मौसम लगे हवा अपने लिए इधर और आउल नहीं देखा होगा इस टाइम पे पर अगर तुम उधर जाओगे ना रात को तो ऐसे छत पे बैठे रहते सब मैंने देखा है मतलब इधर तो नॉर्मल नहीं दिखते थे उधर तो इतना डर लगता है ऐसे आके खा जाए अपने को तो हम छत पे बैठे रहते हैं तो इधर हम पानी डाल के इसके ऊपर ना माचा होता है ना गाँव में बैठते हैं माचे के ऊपर पथारी होती है ना उसके ऊपर बैठ के ऊपर पटेल की आइसक्रीम ले आओ फिर सब फ्रेंड बैठ जाओ उधर तो अहमदाबाद में चार चार बजे तक लोग छत पे बैठे बैठे गप्पे मारते हैं अपने को तो इधर जिसको नींद आती है जल्दी वो तो सो जाते हैं पर उधर तो चार चार बजे दुकान भी खुली रहती है इतने खाने के शौकीन है वो लोग तो अपने आइसक्रीम लेके इधर बैठ जाओ छत पे और मस्त मजा करो उधर थैंक यू ये इसलिए रखा है अब बहुत ज़्यादा खाने की बात अगर कोई डाइट कॉन्शियस होगा उसके लिए फूड और तो कुछ नहीं रख सकते हम लोग अगर आप लोग रेस्टोरेंट में खाना चाहो अपने पसंद का खाना खाओगे तो भले खाना अगर बच जाए ना तो पैक करवा के ले आना तो गरीब लोग को ना जो बहुत जरूरत है जैसे सर ने परसों वीडियो दिखाई थी वो लड़का कितना हेल्प करता है वो आदमी तो उनके सर ने उसको अपने रोल मॉडल अपने को भी वैसा कुछ काम करना चाहिए अपने को भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए उधर वो लोग जैसे वो सबकी हेल्प कर रहे हैं तो अपने को भी उसकी हेल्प अपने को भी ऐसी हेल्प थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट अपने को भी नेशन में करना चाहिए तो जो भी बच्चे तो खाते तो प्लीज वेस्ट ना करें या तो घर पे पैक करवा के ले आना या तो रात को बहुत सारे लोग भूख के वजह से भी मर जाते तो उनको एटलीस्ट खाना चाहिए ताकि वो बच सके और उनकी उनका पेट भर सके तो कभी वेस्ट मत करना प्लीज थैंक यू थैंक यू स्टॉप स्टॉप